ये देखो, सुबह सुबह दोनों उठ गए। मैं पानी पुनी पी के आई, फ्रेश होके आई और देखा ये दोनों उठ गए। हेलो आरू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आरू, हेलो आरू। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ चद्दर चुद्दर सही, यानी कि नई चद्दर बिछा रही हूँ और ये सब डाल दूँगी धोने के लिए, और धोने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तो सुबह का पानी पुनी मैंने सब कुछ पी लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा धो के आ गई हूँ मैं। और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी अपने बालों में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लूँगी और फेस में कर लूँगी थोड़ा बहुत क्रीम, एलोवेरा जेल और सब कुछ लगा के अपना तैयार हो जाऊँगी। तो यहाँ सो गया है आरू, उसको मैंने सुला दिया है, नहा धो के आ गई थी, उसके बाद आरू को सुला दिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। तो मम्मी बना रही हैं यहाँ पे पराठे और ऑमलेट, यानी कि भुजिया बना है, एग और भुजिया। तो मम्मी बना रही है नाश्ता और दिखाती हूँ आपको नाश्ता। और बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निमो, गुड मॉर्निंग एडी, कैसे हैं आप? क्या देख रहे हैं? तो टाइम बज रहा है 9 बजे का और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, कर रहे हैं यानी कि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर घृणी में आप सभी का स्वागत है। तो टाइम हो रहा है 9 बजे का, जैसे कि मैंने दिखाया मैं फ्रेशनअप हो गई हूँ। मम्मी बना रहे हैं नाश्ता। आज भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में हो रहा है दर्द, तो सर की थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है पहले से ही, और आजकल उनको थोड़ा ज़्यादा सर में दर्द होने लग जाता है। और यहाँ पर पीछे सो रहा है आरू और मम्मी बना रहे हैं नाश्ता, और मैं जाती हूँ अब कपड़े धो लेती हूँ। मशीन मैंने लगा दी थी नहाने से पहले ही, और अब जा रही हूँ मैं कपड़े धोने। तो बाल धो लिए थे आज, तो मैंने ऐसे करके क्लचर से क्लच कर लिया है, और मेकअप नहीं किया है, सिर्फ मैंने लगाया है एलोवेरा जेल और गुलाब जेल, और बिंदी लगा ली, वो सिंदूर भर लिया है, और आईब्रो फिल कर लिया है बस। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ। और आज मैंने फिर से ये वाला कुर्ता पहन लिया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काम हो गया है, बस अब रह गया है कपड़े धोने का और नाश्ता करने का। तो पहले कपड़े धो लेती हूँ और फिर मिलूँगी मैं आपसे। ओके, सुखा लिए हैं मैंने सारे कपड़े। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज क्या 2-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और बाल भी खोलने का मन नहीं कर रहा है, अभी सूखे नहीं हैं तो मैं जूड़ा बना लूँगी। और इसके बाद जाती हूँ, अब कपड़े धुल गए हैं, थोड़े और कपड़े रह गए हैं, उसको धो के उसके बाद मैं कर लेती हूँ नाश्ता। और क्योंकि 10 बजे आज मुझे लाइव जाना है, आई थिंक 10 बजे मैं लाइव जाऊँगी, तो टाइम हो गया है, आई थिंक 9:30 होने वाले होंगे आई थिंक। तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे आजकल, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अब नीचे। तो कपड़े मेरे धुल गए हैं और मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में मैंने आपको दिखाया था एग भुजिया, पराठा और चाय। तो चलिए मैं कर लेती हूँ नाश्ता और फिर मिलूँगी मैं आपसे। आरव नहा चुका है और यहाँ पे है, और आज आपको आरव के अंदर कुछ अलग सी चीज़ें दिख रही होगी, इसके बाल कट गए हैं। तो परसों फ्राइडे को शाम को, यानी कि दिन में भैया ने सुबह ही ले लिया था नंबर, तो नंबर लेके ही यहाँ पे मिलता है आजकल बाल कटाने के लिए। तो फिर नंबर लेके भैया गए और फिर इन तीनों के बाल कटवा दिए, नीमो और एडी के भी, तीनों के छोटे छोटे कर दिए हैं बाल। तो आरब लग रहा है अब ऐसा, इसके छोटे छोटे कर दिए आगे से और पीछे से बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसा मत करो, तो ऐसा लग रहा है यार अब। तो टाइम होने वाला है, आई थिंक 10 बजने वाले हैं, और फिर मैं मिलती हूँ बाप आपको बाद में, क्योंकि अभी आरुष हो रहा। तो यहाँ पे हैं सारे बच्चे। एडी हेलो, और वहाँ पे है आरव नहा धो के बैठ गया है, और वहाँ पे है नीमो। हाय नीमो, और क्या देख रहे हैं आप लोग? तो ये देख रहे हैं भीम, और टाइम हो गया है तो 10 बजने वाले हैं, और ये बच्चे देख रहे हैं टीवी क्योंकि आज। तो मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ पे थोड़ी देर आके, बाल मेरे गीले हैं पर मैंने अब
तो बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं और जूड़ा बना लिया था, जूड़े बनाएंगे एकदम बाल ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, तब मैंने ओपन कर लिया, थोड़ी देर सुखा लूँगी। और देखते हैं, अब आरू सो रहा है, अभी आरू उठेगा तब वो नहाएगा, अभी उसको नहाया नहीं है, वो सो गया था तो अभी तक वो सो रहा है। और मैंने आज कान के नहीं पहने हैं नीचे, क्योंकि मेरे कान में थोड़ी सी दर्द हो रही थी तो मैंने इस वाले कान में डाल लिया। ये मैंने बहुत आरू जब पैदा हुआ था उसके एक दिन पहले यानी कि 14 फेब को मैंने सारे कान के और सब अपने ज्वेलरी सारी ओपन कर दी थी, और उसके बाद से मैंने डाला ही नहीं, तो परसों डाला था मैंने इसको ऊपर, इस वाले को, तो बस अभी चल रहा है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी अब आपको थोड़ी देर में, जब मेरा सारा काम हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आरू भी नहा गया है। हेलो आरू, तो अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, और आरव भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे है, मम्मी ने इसको अच्छे से तैयार कर दिया है। हेलो आरू। अच्छा, मैंने ये कमरा ठीक करा था और आप देखो यहाँ की क्या हाल कर दिए इन बच्चों ने, पूरे खिलौने खिलौने, नीमो ने, आरव ने और एडी ने पूरे यहाँ पे खिलौने फैला दिए हैं, कमरे का पता नहीं क्या हाल कर दिया। तो यहाँ पे है, हेलो नीमो, हेलो, और मम्मी है यहाँ पे, हेलो मम्मी, तो मम्मी है आरू के साथ, और मैं जा रही हूँ अब किचन में, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कुछ, यानी कि भाभी से कुछ बनाना सीख रही हूँ मैं। मैंने जो आज से पहले बनाया था पर वो मेरे से ख़राब हो गया था, तो मैं दिखाऊंगी मैं क्या सीख रही हूँ भाभी से। तो जाने से पहले सीख लेती हूँ, क्योंकि मेरे आरव को बहुत पसंद है और उसने पहले ही बोल रखा है कि सीख लेना आप और फिर बनाना। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं और सीखते हैं अपने भाभी से। तो यहाँ पे भाभी ने पीस लिया है चीनी पीस ली है, और ये बिस्किट्स को मैंने इसका जो क्रीम अलग करना है और बिस्किट अलग करनी है, तो पहचान पता चल गया होगा आपको। तो मैं बना रही हूँ केक, भाभी से सीख रही हूँ बनाना। तो यहाँ मैंने मिक्सी में ले लिया है अच्छे से बिस्किट, और इसका पेस्ट बना दूंगी, और शुगर पीस लिया है और क्रीम अलग कर ली है मैंने, और इसमें डाल देंगे हम चीनी थोड़ी सी, और उसमें डाल देंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाना है, और अच्छा फाइन पेस्ट बनाना है इसका, और ज़्यादा रनिंग भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा और दूध डाल के मैं और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, और इसमें डाल दूँगी जैसे ऐसे बना है, इसमें डाल देंगे हम रिफाइंड 1 चम्मच, और अच्छे से इसको मिक्स देंगे जैसे कि भाभी कर रही हैं बहुत अच्छे से। और कुकर चढ़ा दिया है, इसमें लगा दिया है नमक, और प्री हीट करने के लिए रख देंगे इसमें कटोरी डाल के या प्लेट, तो अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम किसी भी टीन को, और इसमें बटर पेपर लगा देंगे, बटर पेपर नहीं है तो कोई भी न्यूज़पेपर या कॉपी का कोई भी पेपर डाल के से अच्छे से ऊपर नीचे से ग्रीस करना है पूरे टीन को, और टीन को ग्रीस कर लिया है यहाँ पे। और इनो तब डालें जब आपने एकदम चढ़ाना हो, और भाभी ने इसमें डाल दिया है इनो, और अच्छे से इसको मिक्स दे रहे हैं, और डाल दिया है हमने इसमें टीन में, और अच्छे से टैप करना है, और ऊपर से डाल दिया है बादाम, और रख देंगे हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। आज मैंने पहले बनाया था वो मेरा ख़राब हो गया था, पर अब मैंने दूसरी बार भाभी से सीखा है तो आई थिंक अच्छा बनेगा, और भाभी ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, तो मैं घर में जाके पहले ज़रूर ट्राई करूँगी। और अगर आपने इसकी फुल वीडियो वॉच करनी है तो मेरी भाभी के चैनल में भी आप देख सकते हैं, शेफ़ बाय हार्ट में, और उन्होंने केक की रेसिपी डाली हुई है। तो चलिए फिर बनाते हैं आप खाना और मिलते हैं फिर आपको। और आज भाभी का हो रहा था बहुत ज़्यादा सर दर्द, फिर भी उन्होंने मुझे बनाना सिखाया, और थैंक यू। तो चलिए आ रहे हैं किचन में। आज क्या बन रहा है? केक। क्या बन रहा है आज? केक। आपको पसंद है केक? हाँ। क्या की केक? केक। क्या केक? कैसे खाएंगे आप केक को? क्वाम। अच्छा, क्वाम करके खाएंगे। अच्छा जी, मजा आता है केक खाने में। जाओ जाओ उधर जाओ, जब बन जाएगा ना फिर हम बुला लेंगे आपको। जाओ, बाय बाय, जाओ। तो यहाँ प्याज चॉप कर दिए हैं, और यहाँ टमाटर का स्टफ कट कर दिया है, और ये भिगाया है भाभी ने, ये है बीन्स होती है ना जो खेतों में बोड़ी बोलते हैं हमारे में, तो वो भिगा दिया है, और उसमें आलू डाल के इसको तड़क देंगे भाभी। कुकर चढ़ा दिया है कुकर में, और यहाँ देखो भाभी क्या बने हुए हैं। हेलो, तो भाभी बने हुए राजेश खन्ना। राजेश, हाँ देखो कौन देख रहा है, छुप के दिखाती हूँ मैं। ये कौन है? ये कौन है? भूत है?
किस चीज का इंतजार कर रहा भूत? किस चीज का इंतजार कर रहा है? केक खाने। हाँ, देखा कैसे केक खाने का इंतजार कर रहा है ये। केक खाना, केक खाना है आपने? हाँ। चलो ठीक है, अभी मिल जाएगा आपको केक। और ये है खेत की मिर्चे, जो वहाँ पीछे खेत है वहाँ की मिर्चे हैं, ये सुखाने के लिए रख दी है। धूप देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो यहाँ हमारा केक भी एकदम रेडी हो गया है। देखिए नाइफ में बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसका मतलब पूरा पक गया है हमारा केक। और ये बना लिया है क्रीम का अच्छे से दूध डाल के पेस्ट, और भाभी ने मोल्ड को अच्छे से निकाल लिया है, और वो ग्रीस था तो आराम से निकल भी गया है। थोड़ा साइड साइड में हमने ऑयलिंग नहीं की थी तो वो चिपक रहा था, तो इतना अच्छा निकला है केक। थोड़ा कम हो गया था तो ये अंदर को चला गया है, पर बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन रखा है, एकदम स्पॉन्जी आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये खाने में भी। तो मैंने सीख लिया है बनाना, होप कि मैं घर पे जाके खुद अकेले भी बना पाऊँ, तो मैं भी बना पाऊँ इसको घर पे जाके। तो कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आप, ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से लाए होंगे। तो चलो इतना तो मैं सीख गई हूँ, चलो अब बच्चों को देते हैं, कैसे बोलते हैं वो देखते हैं, कैसा अच्छा लगता है कि नहीं उनको। तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ कैसा बनाया। 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है और 8 बजे में 5 मिनट बाकी है बस। बहुत टेस्टी बनाया, आप लोग भी ट्राई करना देख के। अब मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ, खाओ। आलू भी खा रहा है, कैसे बनाया आलू वो देखो। कैसा बनाए केक? यम्मी, कैसा यम्मी बनाए बताओ, दिखाओ कैसे खा रहे हैं आप। कौन कौन खा रहे हैं, कैसे बनाए नीमा? खा लिया आपने? खाया नहीं। खाओ कैसे बनाया? टेस्टी, टेस्टी बोल दिया बाबू। देखो कौन है, आई थिंक राजेश खन्ना, देखो वहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे बड़े भैया भी। हेलो बेटो। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। ये बन गई है हमारी दाल जिसमें आलू मिक्स है और राइस, और आइए आप भी खा लीजिए यम्मी यम्मी खाना। अभी दे तो टाइम हो गया है 5 बजे का, और आरू आरव सब उठ गए हैं, और आरव पढ़ाई कर रहा है अपनी हिंदी की पढ़ाई कर रहा है। हेलो आरव, तो उठ गया था ये टाइम से और पढ़ रहा है, और आरू है यहाँ अपनी नानी के साथ। आरू के बाल देखना कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम खड़े। और अपने भाई को देख रहा है पानी पीते हुए कि मेरा भाई पानी पी रहा है। बाय बाय आरू। मैंने बना लिया है यहाँ पे कपड़ों का गट्ठर, तो सारे कपड़े मैंने इसमें डाल दिए और गांठ बांध दी है मैंने चादर में, और भैया आएंगे अभी छत में तो वो ले जाएंगे कपड़े। तो मैं दिखा देती हूँ कितना अच्छा व्यू हो रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, और देखिएगा कैसा लग रहा है मौसम यहाँ का। तो देखिए अब करते हैं हम वीडियो का यानी कि ब्लॉगिंग का एंड, और भाभी है यहाँ पे। हाय, और आरव है वहाँ पे, और यहाँ पे कौन? अब फूफू के चैनल को क्या करना है बोल दो, और कमेंट प्लीज स्माइल के साथ। तो मैं करती हूँ अब वीडियो का एंड। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मेरी वीडियो पसंद आते हैं आपको तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो में,
तो वहाँ देखिए कितना अच्छा मून आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो वो पीछे। तो चलिए फिर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड, तो बने रहिए मेरे साथ। और जय हिंद, जय भारत। और आरू को भी मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे है आरू। आरू है अपनी नानी के साथ। हेलो आरू, बाय बाय। कच्चू घंटी खराब हो जाएगा बेटा। जय भारत, जय भारत, जय भारत।